देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के गृह विखे सारिया संस्थावां दे साडे धार्मिक संस्थावां और देश दीआं प्रमाणित हस्तियां अज इत्थे इकट्ठियां होईआं ने। रह करके जो मैं सीखा हूं, जो गुरु महाराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन जितना कर पाता हूं उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और मैं कर और ज्यादा करने का मन करता है। सर मैं नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आभार व्यक्त करदा जिन्होंने भारत को माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। क्या पहले हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने साहिबजादों के सम्मान को हर हृदय तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। मैं सोचता हूं आपका हृदय एक सिख हृदय है। अमृतसर में आपको मिले थे जी, और उसके बाद आज मिले। कितना साल हो गया इसे? हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी जी बड़ी कृपा है आपकी, जो आप कर रहे हो परमात्मा, हम तो दुआ करने आए हैं कि आपको और ताकत मिले और सिखों को, जो हम सारी उम्र ये था कि हमारा भी कुछ देखेगा, आप कर रहे हो, इसे ज्यादा करो, परमात्मा आपका भला करे। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी, हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है, इमरजेंसी में बहुत बड़ा हमारा जुल्म हम सब पे हुआ। और मैं तो तुम्हारा बराबर पता है उस समय पंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, तो बड़ा अद्भुत था जी। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीख के कपड़ों में ही रहता जी। मैं पगड़ी पहनता था। अरे सेवा मुझे करनी है आज। सेवा आज मुझे करनी है। अब मुझे बताइए साहब, कोरोना में ये आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सीजन का लंगर लगाने का मन कर गया, ये छोटी बात नहीं जी। अब मुझे बताइए अफगानिस्तान था, इतना अभी भी हमारा कोई वहां हवाई जहाज जाना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सम्मान से वापस आना चाहिए, तो हमने उस व्यवस्था की दुनिया के देशों से बात की, यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रबंध किया। और मैंने मेरे मंत्रियों को माना कि देखिए मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है, आप जाइए। सिरसा जी भी गए, हमारे हरदीप पुरी जी गए, सर पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के साहब सम्मान के साथ, क्योंकि मैं मानता हूँ जी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रत्न है। सही, अनमोल रत्न है। गुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो आप लोगों से खून का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था, गुरु नानक देव जी के जीवन में साहब उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज्यादा समय जहां बिताया। वो स्थान हमारे पास न हो, 6 किलोमीटर दूर समझौता करके हम नहीं ला सके था। मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की कम से कम, क्योंकि दूरबीन से साहब सब लोग, मैं भी दूरबीन से देखता था पहले जब पंजाब रहता था, मैं भी दूरबीन से दर्शन करता था जी।
तो मेरा मन करता था कि कुछ तो करे, कि ऐसा पवित्र काम था, गुरु महाराजों का आशीर्वाद था, हो गया। और इतने कम समय में जो वहां हमने जगह बनाई है, आप में से बहुत लोग गए हैं, इतने कम समय में जी, ये श्रद्धा के बिना नहीं होता है जी। तो मैं आपको कहता हूँ, ये घर आपका है। मैं भी आप ही की तरह चलते चलते आया हूँ, कल चलते चलते की गुरुद्वारे चला जाऊँ।